तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइज़, फाइनली हम लोगों ने 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं आप लोगों की दया से, या फिर बोल लीजिए। लेट्स सी, एक बार इधर भी देख लें कि इट्स शोइंग 4 लाख। ओके, सो 400K सब्सक्राइबर्स यहाँ पे शो कर रहा है। एंड साथ ही साथ चलो एक बार आशीर्वाद भी ले लेता हूँ मम्मी पापा का। 4 लाख, हाँ तू भी करेगा। 4 लाख डन ब्रो। हैप्पी एनिवर्सरी आपको भी, पापा जी को भी। भाई नीचे भी लिख देना मम्मी पापा की। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। और कॉन्ग्रेचुलेशन तेरे को भी, 400 के पूरे सभी उन लोगों को जिनने सब्सक्राइब करा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उन सबको भी। हाँ तो देखो, अभी मैं पीछे बैठा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो गाड़ी लेंगे, बड़ी जो भी लेंगे, तो वो ऐसी थार जैसी लोग है या कोई ऐसी जिसमें पीछे भी दरवाजा हो? नहीं, जो पीछे से भी वो इसमें बड़ी, मुझे बड़ी दिक्कत होती है, पीछे वाले को नहीं होती, क्योंकि मेरे को उतरना पड़ता है फिर वापस बैठना है ना। तो भाई ये दिक्कत है कि थार में मतलब ऐसे, वैसे फैमिली कार तो नहीं है ये, मतलब अगर कोई ठीक हो तो वो पीछे चले भी जाए, है ना। थोड़ा सा मतलब आदमी या जो भी उचित मानेगा, इसलिए कोई ऐसी गाड़ी हो जिसमें इजीली कहीं से भी खोल के आगे पीछे से बैठ दो। पर फिर किसी दूसरी कंपनी ने जैसी गाड़ी नहीं बनाई, तो ये भी दिक्कत है। इसका टशन अलग है ना, थार का तो अलग ही रहेगा। तो भाई इस गाड़ी का टशन एकदम अलग है, पर खैर जो भी है, नेक्स्ट ऐसी गाड़ी को देखेंगे। वैसे सेकेंडरी कार है ही अपने पास, तो एक ऐसी गाड़ी भी होनी चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? पर बड़ी गाड़ी में ऐसी होगी 7, मतलब पीछे वाले। थार के लिए जो भी बंदा शौकीन होगा ना, वो इतना स्ट्रगल करना उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर वो जो रोड प्रेजेंस मिलती है ना, वो एकदम अलग है। बाकी आपको कैसा मजा आता है भाई चलाने में? एकदम बढ़िया है बेटा, बहुत अच्छी है। सही लगती है एकदम। तो भाई फील होता है कि कुछ चला रहे हैं। और एकदम ऊपर बैठे हो, है ना, हाइट पे भी है, सारे से छोटे छोटे से लगते हैं नीचे, बच्चे बच्चे से सामने, और फिर एक कॉन्फिडेंस आता है इस गाड़ी को अलग ही चलाने में। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और थोड़े बहुत सामान भी लाना है, क्योंकि एनिवर्सरी है तो मंदिर जाना भी जरूरी है भाई ओकेजंस पे। मम्मी ना आज मेरे से अभी पुशअप मार रहा था, ठीक है, तो मम्मी कह रही कि मैं भी करके दिखाऊंगी। मैंने कहा 10 मार लो, तो कह रही ठीक है 10 मारते हैं, अब देखते हैं। कि मैंने वैसे 15 ऑलरेडी मार लिए हैं, बट अभी है कि 10 और मारेगी मम्मी, मतलब मेरे साथ मारेगी, ठीक है, चलो देखते हैं। तो भाई मम्मी यहाँ पे तैयार हो गई पूरी, मतलब जनरल मेरे को भी कोई टोक सकता है कि तू सही नहीं मार रहा होगा, हो सकता है, बट वैसे होता है, ऐसे हाथ करने आपको, ठीक है, और उसके बाद ऐसे टैडी अम्मी आप रेंग क्यों रहे हो? अम्मी रेंग रही है। अरे ये नहीं होता यार, सारा गुंडा काट लिया उसने, जल्दी देख मौका लगा के। भाई वो देखो जिम जाने लायक है वहां पे भी। गुंडा काट लिया उसने सारा। मम्मी ये देखिए, आप लोगों ने जबरदस्त करी है 10। डेली भी बैठे करा तो धूम भी पड़ा। देख पहले पैर के पीछे पूरे दो। तो भाई लोग ना बड़े हैं, मतलब दुनिया गोल नहीं, दुनिया लोग इतने हरामी हैं। यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, और आई डोंट नो कौन जो है भाई इसकी हवा एकदम निकाल गया और ख़त्म पड़ी है यहाँ पे, मतलब समझ में नहीं आ रहा हवा निकाली है क्या हुआ है, एकदम खाली पड़ा है टायर। अब गाड़ी इतनी भारी है, इसको ऐसे लेके भी नहीं जा सकते। लेट्स सी, बुलाते हैं एक बार कि कोई हवा वगैरह वाला आता है या क्या होता है। तो भाई ये देखो, एकदम फ्लैट टायर था, अब किसी तरह यहाँ पे ले आया हूँ चला के। आई नो बहुत गलत है, बट 11 PS इसमें हवा दिखा रहा है पूरी, एक बार भरते हैं। ये देखो, ये इस चीज़ का ही डर था, बट हाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये चीज़ है कि थोड़ी बहुत हवा थी, एकदम फ्लैट होता पंचर होता तो फिर तो ये रिस्क लेना ही नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है हो गया। और उसमें भी कम है यार, मुझे ये नहीं पता क्या दिक्कत आ रही है। डेली ना ये गाड़ी सेंसर शो कर रही है, इसका भी और पीछे वाले का भी, तो एक बार ना लेके जानी पड़ेगी महिंद्रा में। ऐसी कोई दिक्कत है जो मेरे समझ में नहीं आ रही है। लो इनसे भी भरी नहीं जा रही, पता नहीं हवा लो है क्या है, प्रेशर नहीं बन पा रहा। अब ये दूसरे से भरेंगे, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे एक बार हो जाए। एकदम कतई फ्लैट खड़ी है,
अब है ना पीछे वाला है उसमें भी सेम यही दिक्कत है, उसमें भी हवा कम हो रही है, तो उसमें भी एक बार भरवा लेते हैं। यहाँ पे भी वापस एक बार चेक करवा रहा हूँ मैं पंचर, मतलब दो तीन बार हो लिए वापस से। आगे वाले में भी है दिक्कत और इस वाले में भी है, लेट्स सी पंचर है नहीं, हवा देख सकते हो आप ऑलरेडी जो है इसमें कम होनी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो है एक बार वो सर्फ सर्फ का एक बार मार रहे हैं देखने के लिए कि पंचर है या क्या है। नहीं ऑलरेडी पंचर ही था इसमें, तो जो सुबह हवा एकदम फ्लैट हो रही थी वो पंचर की वजह से थी। अच्छा नट लगा हुआ है, निकाल दो। तो भाई ये था कल्प्रिट जिसकी वजह से हवा निकली हुई थी सुबह। ये टायर देखो ना इतना वो होता है हैवी कि इसमें पूरा दम लग जाता है, मतलब कितना दम लगा रहे हैं उसके बाद भी दोनों अंदर नहीं घुस रहा। तो ये जितने भी हैवी ड्यूटी टायर्स होते हैं उनमें यही होता है, मतलब छोटी मोटी अगर टायर होते हैं तो उसमें आराम से घुस जाता। क्या नहीं घुसा, आगे करूँ आगे ठीक। ये पीछे वाला जो है ना इसमें भी पंचर निकला है, दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ से भी पंचर निकला हुआ है। तो आगे वाले में भी था और पीछे वाले में भी था, दोनों में ही निकल गया भाई आज तो ठीक है। इतने दिन से मैं परेशान हो रहा था ना, दिमाग खराब हो रहा था, एक बार देखता हूँ क्या चीज़ निकली, चुभी हुई है ये। भाई साहब पिन ही है तो भाई ये पिन देखो अजीब टाइप की पिन है, मतलब ये घुसी हुई थी अंदर, पर ठीक है ये चीज़ सही है। अब मैं डेली डेली परेशान नहीं हूँ, नहीं तो इतने दिन से ना दिमाग ख़राब हो रखा था, हर रोज़ आता और चेक करवा के जाता और मिल नहीं रहा था पंचर, आज मिल गया। ये एक और, मतलब एक दिन में तीन तीन पंचर आप सोच सकते हो टायर में, ये घुसा नहीं है अभी अंदर, तो ये बच गया भाई, घुसा नहीं है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, चेक तो फिर भी कर ही लेना एक बार। ये अभी गिरा था वही है क्या पहले का? ये थार का बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको सामने। और राम पे अभी कैसे, राम पे बढ़िया भैया, क्या होने वाला है अपनी गाड़ी में? वेलकम टू थार। तो ये वैसे तो मैं दिखा दूंगा सबको, एक छोटी सी चीज होती है बेसिकली, है ना ये, और ये हर एक गाड़ी के लिए मिल जाएगी, हर गाड़ी के लिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी गाड़ी, और किसी और को कुछ और लिखवाना हो तो, मतलब बुलवाना हो तो किसी को, वो भी हो जाएगा, हो जाएगा, टाइम देना पड़ेगा पर अच्छा हो जाएगा, मतलब बताना। तो भाई ये जो है ना वेलकम टू थार अपनी गाड़ी में लग चुका है, एक बार अभी काम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और रामपे का जो एड्रेस है वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आगे लगवा सकते हो। तो भाई ना आपके भाई ने एक बहुत ही बढ़िया फीचर इसमें ऐड करा है, देखो जैसे भी चाबी बंद कर दी ना मैंने यहाँ पे, इसमें बंद कर दी, अब क्या करना है अपने को सिंपली इसको ऐसे खोलूंगा, Welcome to Thar, India's number one SUV. मतलब बंद करो इसको और इसको वापस ओपन करो ऐसे, Welcome to Thar, India's number one SUV. मतलब यार बड़ा ना कूल लगता है ऐसे, देखो जैसे आप बंद करके ऑन करोगे इसको वापस ऐसे, Welcome to Thar, India's number one SUV. ऐसे बोलता है वेलकम टू थार इंडियाज नंबर वन SUV, तो बहुत ही बढ़िया है, काफी अच्छा लगता है ऐसे, मतलब इतना बड़ा फीचर तो नहीं है, छोटा सा फीचर है, ये भी बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लगता है सच्ची। अब ये देखो मान लो जैसे ऐसे मैं आता हूँ ठीक है, सिंपली इधर से मैं ऐसे आऊंगा और आने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर से मैं ऐसे करूंगा ये और वेलकम टू थार India's number one SUV. तो भाई बहुत ही अल्टीमेट फीचर लगा मेरे को तो सच्ची में, छोटा सा फीचर है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, पर हाँ गाड़ी जो है ना एकदम मस्त हो जाती है।